السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ثم نشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. واجب الاحترام मेरी माओ बहनों और बच्चियों, फितने दज्जाल और दज्जाली फितनों के हवाले से मुख्तसरन इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप खामोशी के साथ, दिलजमी के साथ ये चंद गुजारिशात सुनकर मेरी हौसला अफजाई फरमाएगी। फितने दज्जाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा मिन फितनतिन आजम मिन फितनति दज्जाल। फितनों में से सबसे बड़ा फितना वो फितना दज्जाल है। इस दुनिया में कयामत तक आने वाले जितने फितने हैं, उम्मते मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर
कयामत तक जितने फितने आने वाले हैं उन तमाम फितनों में सबसे बड़ा फितना जो है वो फितने दज्जाल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ये फितने दज्जाल वो अजीम फितना है, वो खतरनाक फितना है कि मा मिन नबीन इल्ला वकद अंजर कौमहु, ये वो अजीम फितना है कि इस दुनिया में जितने अंबिया आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, 1,24,000 कमो बेश अंबिया ने अपनी अपनी कौम को इस फितने दज्जाल से डराया है। ये इतना बड़ा फितना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फितने दज्जाल कितना खतरनाक फितना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये दज्जाल इस दुनिया में आएगा, इसका खुरूज होगा, तो इसकी टोटल जिंदगी 40 दिन की जिंदगी है। 40 दिन की जिंदगी लेकर आएगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, ओ मेरे साथियों, इस दज्जाल की 40 दिन की जिंदगी में से जो इसकी जिंदगी का पहला दिन होगा, वो पहला दिन एक साल के बराबर होगा। वो पहला दिन एक साल के बराबर होगा, यानी इतना सख्त तरीन दिन होगा, इतनी सख्त तरीन आजमाइश होगी, एक साल के बराबर का दिन लेकर आएगा। इसकी जिंदगी का दूसरा दिन जो है वो एक महीने के बराबर होगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथियों, इसकी जिंदगी का तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा और बाकी 37 दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह, तुम्हारे आम दिनों के बराबर के दिन होंगे। अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को ये कहकर चले गए अपने घर। मेरी माओ बहनों, जब अल्लाह के महबूब पैगंबर दूसरी नमाज में आए तो देखा कि तमाम सहाबा उसी तरह सफों में बैठे हुए। उस नमाज से इस नमाज तक कोई भी घर नहीं गया है। वो जो अल्लाह के नबी ने दज्जाल के बारे में बताया, आप चले गए और ये उसी तरह सफों में बैठे हुए हैं दूसरी नमाज तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, क्या तुम घर नहीं गए? कहा, अल्लाह के महबूब पैगंबर, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हम में से कोई भी घर नहीं गया है। हम उस नमाज से अभी तक
यहीं बैठे हुए सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे। मेरे नबी ने पूछा क्या सोच रहे थे इतना लंबा वक्त, एक नमाज से दूसरी नमाज तक वो मेरे साथियों बैठ के क्या सोच रहे थे। तो सहाबा फरमाते हैं, मेरी माओ बहनों बड़े गौर से सुनने वाली बात है, सोचने की बात है, फिक्र की बात है कि सहाबा जवाब देते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये सोच रहे थे कि जब दज्जाल की जिंदगी का पहला दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीने के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर, तो हमारी नमाजों का क्या होगा। हाय फिक्र है तो किसकी, अपनी नमाजों की, नमाजों की फिक्र लगी हुई है कि जब दज्जाल की जिंदगी का पहला दिन एक साल के बराबर होगा तो हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे, जब एक साल के बराबर सिर्फ दिन ही दिन होगा, रात नहीं होगी, तो हमारी नमाजों का क्या बनेगा, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, नमाज कैसे अदा करेंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, उस दिन, उस पूरे साल में, उस पूरे महीने में, उस पूरे हफ्ते में नमाज तुम इस तरह अदा करोगे कि तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी। ओ मेरी माओ बहनों, समझ रही हो आप इस बात को, कहा तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, आवाज, हाय आवाज आएगी। ओ मेरी बहनों, ये बात समझ में नहीं आई ना, चलो समझाता हूं, मिसाल देता हूं, शायद बात समझ में आ जाए। मेरी माओ बहनों, जब हमें भूख लगती है ना, भूख, जब हमें भूख लगती है तो अंदर से आवाज आती है, ये जिस्म आपको पुकार रहा होता है कि तुझे भूख लगी है, खाने की जरूरत है, खाने की, बोलो, खाने की जरूरत है। हाँ हाँ, अंदर से आवाज आती है कि अब तुझे खाना खाना चाहिए, क्योंकि अब तेरे जिस्म को खाने की जरूरत है, भूख लगी है, भूख। जब इंसान को प्यास लगती है ना, तो अंदर से आवाज आती है कि तुझे पानी पीने की जरूरत है, क्योंकि तुझे प्यास लगी है। बंदा महसूस करने लगता है, इंसान महसूस करने लगता है कि मुझे भूख लगी है, इंसान महसूस करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साथियों, जब नमाज का टाइम होगा ना, तो तुम्हें अंदर से आवाज आएगी कि तेरी नमाज का टाइम हो गया, तेरी नमाज का, बोलो मेरी बहनों, तुम्हारी नमाज का टाइम हो गया है। तो कभी आपको इस तरह की आवाज आई है, इस तरह की आवाज आई है बेटा कभी? आ हा हा, मुझे भी नहीं आती। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी पक्का नमाजी बना दे, अल्लाह आपको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये महसूस करना जरूरी है, ये एहसास जरूरी है कि इंसान महसूस करे कि मेरी इबादत का टाइम हो गया है, मेरी इबादत का टाइम हो गया है। बल्कि हम तो आजान की आवाज सुनते हैं ना,
तो हमें शायद आजान की आवाज भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा उस बबिया मुस्कोम मुगिता उसमें खोया कड़ो उस बबिया कोम नागा यो चिदे कड़ो द मास पखिन दे पमाजी गर कड़ो अव माजी गर दे पमाखाम कड़ो अव माखाम दे प मास खोतन अव मास खोतन वाला खुश पे मुंगा द्रे बजे कहू चे मोबाइल न फारिग शो। तो ये एहसास जरूरी है मेरी माओ बहनों। क्यों एहसास क्यों नहीं है? एहसास इसलिए नहीं है ना कि हमारी रूह जो है ना, रूह इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, इंसान दो चीजों का मजमुआ है, और वो दो चीजें क्या है? एक जिस्म है और एक रूह है। तो जिस्म की गिज़ा क्या है? वो द जिस्म गिज़ा, द जिस्म खुराक, द खो बिरयानी शुआ कोरमा शुआ और जमंग खुराक खो नोक से देखा ना, वो या बा पिज़ा या बा बर्गर या बा चिप्सी, द जमंग द जिस्म खुराक थे, ये हमारे जिस्म का खुराक है। और रूह की गिज़ा क्या है? हम समझते हैं कि मैंने आलू का चिप्स खाया तो बस जिस्म की गिज़ा भी हो गई है और रूह की गिज़ा भी हो गई है। नहीं हो मेरी बहन, जिस्म का गिज़ा खाना है और रूह की गिज़ा इबादत है। आप इबादत करोगी तो रूह को गिज़ा मिलेगी ना। आपने अंदाजा लगाया होगा अभी रमजानुल मुबारक के इस महीने में ये इंसान बड़ा खुश होता है, बड़ी खुशी महसूस करता है। वैसे भी अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया इंसान यानी एक साइम जो है, एक रोजादार जो है, उसको दो टाइम जो है ना बड़ी खुशी मिलती है। कौन से टाइम है वो? एक सेहरी और एक अफ्तारी। क्यों? अफ्तारी में पकोड़े होते हैं, हैं? अफ्तारी में चाट होता है, अफ्तारी में फ्रूट होते हैं, अफ्तारी में शरबत होते हैं। नहीं, इस वक्त इंसान को जो खुशी मिलती है, चाहे वो सेहरी हो, चाहे वो अफ्तारी हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, इंसान रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में खुश व खुर्रम रहता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम रमजान के महीने में रूह को गिज़ा देना शुरू कर देते हैं। रूह को, हाँ, रूह को गिज़ा मिलनी शुरू हो जाती है। पूरा साल वो बेचारा भूखा रहता है, पूरा साल रूह जो है वो भूखी रहती है। और रमजान में आकर जब हम रोजा रखते हैं, इसी तरह तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत, जिक्र अस्कार, नवाफिल, जितनी इबादत करते हैं, तो रूह को क्या मिलती है? गिज़ा मिलती है। और जब रूह खुश तो जिस्म खुश हो, और जब रूह गमगीन हो तो जिस्म खुश नहीं हो सकता। तो मेरी माओ बहनों, रूह की गिज़ा क्या है? रूह की गिज़ा अल्लाह की इबादत है, और जिस्म की गिज़ा जो है वो खुराक है। तो हम जिस्म को तो खुराक दे रहे हैं, जिस्म तो जिंदा है पर रूह मुर्दा हो चुकी है, रूह मुर्दा है। तो इसलिए हमें आवाज, अंदर से आवाज नमाज की, क्योंकि रूह मुर्दा हो गया है और मुर्दा आवाज देता नहीं है। मुर्दे आवाज नहीं देते, मुर्दों की समाअत और कुव्वत गोयाई खत्म हो जाती है। जब रूह मुर्दा हो जाता है, रूह को गिज़ा नहीं मिलती है, तो फिर अंदर से आवाज नहीं आती कि तेरे इबादत का टाइम हो गया है। तो मेरी माओ बहनों, मैं ये कह रहा था फितने दज्जाल एक अजीम फितना है, एक अजीम फितना है। मेरी माओ बहनों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दज्जाल का खुरूज होगा, जब दज्जाल का खुरूज होगा, दज्जाल आएगा और अपना शोभदाबाजी दिखाएगा। क्यों?
क्योंकि अल्लाह ने उसको ये कुव्वत दी है, ये ताकत दी है, वो हवाएं चलाएगा, वो सब्जा उगाएगा, वो बंदे को मारेगा फिर दोबारा जिंदा करेगा, वो बारिश बरसाएगा, वो नहरें अपने साथ लेकर चल रहा होगा, ये सारे शोभताबाजी वो दिखाएगा। तो जब दज्जाल का फितना जाहिर होगा, दज्जाल इस दुनिया में आएगा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त के जो दीनदार लोग होंगे, उस वक्त के जो दीनदार लोग होंगे, दीनदार तकवादार मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले कुरान और हदीस के मानने वाले, वो क्या करेंगे? तवज्जो है, तवज्जो है, ओ बेटा तवज्जो है। कहा वो क्या करेंगे? वो अपनी औरतों को घर में बांध के रखेंगे। क्या करेंगे? किसको? तुम्हें, 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 तुम्हें बांध के रखेंगे। ख्वातीन को बांध कर रखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि जहां मर्द हजरात, मर्द जो है वो दज्जाल के फितने में आएंगे, वहां औरतों पर उसके फितने का बड़ा जल्दी असर होगा। इसलिए जो दीनदार लोग होंगे ना, वो अपनी अपनी ख्वातीन को, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो पुपी है, उसको घर में बांध के रखेंगे कि कहीं ये बाहर निकलेगी तो दज्जाल के फितने में ना आ जाए। इतना अजीम फितना है। मोहम्मद बिन कैसान रहमहुल्ला फरमाते हैं, सॉरी इमाम ताऊस रहमहुल्ला फरमाते हैं, इमाम ताऊस रहमहुल्ला जब से उसने ये हदीस सुनी थी ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तुम नमाज पढ़ो तो नमाज के आखिर में, बेटा ये आवाज किसकी आ गई है? आप खामोश होंगे तो मैं कुछ बोलूंगा। बेटा इमाम ताऊस रहमहुल्ला ने जब से ये हदीस सुनी, हम तो हदीस सुनी अनसुनी कर देते हैं ना, यहां हदीस सुनी और बाहर जाकर भूल गए, लेकिन इमाम ताऊस रहमहुल्ला ने जब से यह हदीस सुनी थी ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम नमाज पढ़ो तो नमाज के आखिर में सलाम से पहले और दुरूद के बाद क्या करो? ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो, ये दुआ, ये दुआ पढ़ा करो, ये दुआ पढ़ा करो सलाम से पहले और दुरूद के बाद। एक मरतबा फिर सुन लो, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال। ये दुआ पढ़ा करो। तो इमाम ताऊस रहमहुल्ला अपने बेटे, अपने बच्चे को जब भी वो नमाज पढ़ता ना तो नमाज के बाद उसको बुलाता, बेटा इधर आओ, क्या तुमने नमाज में सलाम से पहले ये दुआ पढ़ी थी? अगर वो कहता कि हाँ पढ़ी थी तो कहता ठीक है, और अगर वो कहता कि हाँ बाबा मैं भूल गया तो आप फरमाते जाओ दोबारा खड़े हो जाओ, दोबारा नमाज पढ़ो और नमाज के अंदर ये दुआ पढ़ा करो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दुआ के बगैर नमाज नहीं होती, नमाज हो जाती है, नमाज हो जाती है,
लेकिन इस दुआ की अहमियत इतनी है क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आपने हुक्म दिया है कि दुरूद के बाद ये दुआ पढ़ा करें। तो अपने बच्चों को तरबियत दे रहे, तालीम दे रहे कि जब भी नमाज पढ़ो तो अपनी नमाज के अंदर ये दुआ लाजमी पढ़ा करें। तो मेरी माओ बहनों, इस दुआ को याद करें, इस दुआ को अपनी नमाज में लाजमी पढ़ना है। मेरी माओ बहनों, बस बिल्कुल मुख्तसर करता चलता हूं, हमारा आज का मौजू है दज्जाली फितने। दज्जाली फितने, दज्जाल के बारे में मैंने आपको मुख्तसर बता दिया है। दज्जाली फितनों में से, दज्जाली फितनों में से कुछ मोटी मोटी तीन चार आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मेरी माओ बहनों, दज्जाली फितनों में से एक बड़ा फितना यह है कि दीन का मजाक उड़ाया जाएगा। दीन का मजाक उड़ाया जाएगा, मजाक, दीन मजाक बन जाएगा, दीन के साथ मस्खरी लोग करेंगे, दीन का मजाक उड़ाएंगे और दीनदारों का मजाक उड़ाएंगे। मेरी माओ बहनों, सुन लो इस बात को, आज अगर मेरी एक बहन, मेरी एक बच्ची, अगर वो अपने घर से इदारे में बापर्दा होकर आती है, बापर्दा, तो इस बुरखे का, इस हिजाब का लोग क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक, मजाक उड़ाते हैं। अगर एक दीनदार आदमी, एक दीनदार इंसान दाढ़ी रख ले तो उसको लोग मुल्ला कहते हैं। अगर वो पांचे उठाकर रखे दीन पर अमल करते हुए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा असफला मिनल काबैनी मिनल इजारी फफिन्नाल, जिस मर्द का लिबास टखने से नीचे तक होगा ये जहन्नम की आग में जलेगा। अब आप ही बताइए, अगर एक लड़का, एक नौजवान दाढ़ी रख ले, वो अमामा बांध ले, वो सर पे टोपी रख ले, वो ऊंचा इजार रख ले और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी चला जाए तो क्या होगा, क्या होगा? और मेरी बहनों, क्या होगा उसके साथ? उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसका मजाक उड़ाते, लोग उसको बोलते ओ सूफी, ओ मुल्ला, धाड़ी का मजाक, सुन्नत रसूल का मजाक, हिजाब का मजाक। आज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एक मेरी तीन दाग बहन पर्दा नहीं कर सकती क्योंकि पर्दे का मजाक उड़ाया जाता, ये आम हो चुका है, ये दज्जाली फितना है, दज्जाली फितना है। और माजरत के साथ, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरी दीनदार बहनें जो मदरसे की पढ़ने वाली है, काल अल्लाह काल रसूल के साथ वाबस्ता है, वो दस्ताने नहीं पहनती, वो मोजे नहीं पहनती और कहते कि भाई हमें एलर्जी है, जमा पला सुनो अखों के खारख्त है, वही खारख्त एलर्जी है। अरे ओ मेरी बहनों, अल्लाह से डर जाओ, ये दज्जाली फितना है, ये शैतान है जो तुम्हारे हाथ पांव कुजा रहा है। ये एलर्जी नहीं है, ये शैतान के वसवसे हैं, शैतान के वसवसे हैं। आज हमें शिकाफ में आते हुए, बगैर दस्तानों के आते हुए, बगैर मौजों के आते हुए, और शायद शायद जो हमारा बुर्का हो, बुर्का अबाया हो, वो भी पर्दे के तकाजे पूरे नहीं करता। माजरत के साथ, इसमें खुश नहीं होना कि मैं अबाया पहन के आई हूं। ये अबाया जो है, ये आपका पर्दा नहीं है, पर्दा वो है कि सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म का एक बाल भी नजर ना आए, तब आप समझे कि मैं बुर्के में और मैं पर्दे में हूं। तो दज्जाली फितनों में से, दज्जाली फितनों में से सबसे बड़ा फितना क्या है कि
के दिन का मजाक उड़ाया जाएगा, गली गली कूचे कूचे दिन का मजाक उड़ाया जाएगा। अगर जमंग न पुख्तनो यो मेरा उसते बेशर्मा और बेहया तासो टूल बे पी जने मेरा उस नागदी खल को तवी विदानी की मक हुई जन्नत के जे खत्म शिव दे वही जमानी को माता खतरा ले गले हो आओ विच खल को तो आया चे नेकी मक हुई जक जन्नत के जे खत्म शिवरे जुम पर देवाल बांधे नाचते तो सारे लोग सामने बैठे हंस गए। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी माँ बहनों, कुछ तो बंदा होश के नाखून ले। वो बदबख्त, वो बेहया बेशरम, वो अल्लाह के दीन का जन्नत और जहन्नम का मजाक उड़ा गए। मेरे अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए जो जन्नत तैयार की है, अल्लाह फरमाता है अरसोहा का अरस समाई वल अरस। जन्नत कितनी बड़ी है, जैसे जमीन से लेकर आसमान तक, ऐसी फराख जन्नत है मैंने अपने बंदों के लिए तैयार की है। और ये बदबख्त, ये बेदीन, ये जिंदीक, ये मुलहित ये कह रहा है कि जन्नत में जगह खत्म हो गई है, नेकी करना बंद कर दो, मेरा दादा और नाना जो है वो भी दीवार पे बैठा हुआ है। और सामने लोग बैठकर हंस रहे हैं, वो बदबख्त दीन का मजाक उड़ा रहे, और सामने मुसलमान बैठकर हंस रहे हैं, तो क्या होगा? दज्जाली फितनों में से बड़ा फितना क्या है कि दीन का मजाक उड़ाया जाएगा। तो जहां आपको लगे ना कि दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरान और हदीस का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो समझ जाओ कि ये दज्जाली फितना है, ये दज्जाल के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, दज्जाल के लिए चेले और चांटे तैयार किए जा रहे हैं, ये हमारे अजहान को तैयार किया जा रहा है, हमारे फिक्रों पर काम किया जा रहा है। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेरी कोई बहन पर्दा नहीं कर सकती है, ऐसा जहन बना दिया है, फिक्र पर ऐसा काम किया है कि ये बुर्का कुछ भी नहीं है, ये तो पाबंदी है। ये क्या है? ये पाबंदी है। और फिर औरतें सड़कों पर निकल आ जाती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं, ये जिस्म भी अल्लाह का दिया हुआ है और इस पर कानून भी अल्लाह का चलेगा। अला लहुल खल्को वल अम्र, ये मखलूक भी अल्लाह की है और इस पर हुक्म भी मेरे अल्लाह का चलेगा। तो ये एक बड़ा फितना। दूसरा फितना मादियत, मादियत की रेस लगी हुई होगी। मादियत जानती हो मेरी बहनों? मालो दौलत की हवस, मालो दौलत की रेस, और फलाना जापान पहुंच गया है और मैं पीछे रह गया, मुझे भी जापान जाना है, और फलाना अमेरिका पहुंच गया है मुझे भी पहुंचना है, और फलाना अमेरिका पहुंच गया है मुझे भी जाना है। रेस लगी हुई है मादियत की, पैसे कमाने की, बस पैसा पैसा पैसा, दौलत ही दौलत, दौलत के पुजारी बन चुके हैं। ये बड़ा फितना, ये दज्जाली फितना है, ये दज्जाली फितना है कि जब माल और दौलत की रेस लग जाए, मादियत की रेस लग जाए। ओ मेरी माओ बहनों, रब का कुरान कहता है, रब का कुरान कहता है, हाय रब का कुरान कहता है फस्तबिकुल खैरात। दुनिया में बसने वाले लोगों, कुरान और हदीस के मानने वालों, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले लोगों, सुन लो ना, तुम्हारी रेस किस में होनी चाहिए, मुकाबला किस में करना है ना। फरमाया फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में, नेकी के कामों में, अजर और सवाब के कामों में, कुरान और हदीस पर अमल करते हुए ना एक दूसरे के साथ रेस लगाओ। अगर किसी ने एक मस्जिद बनाई है ना,
तुम दो बना लो। अगर कोई मदरसे के अंदर महाना 1000 रुपए देता है, तुम 2000 दे दिया करो। फस्तबिकुल खैरात, कोई 10 नवाफिल पढ़ता है, तुम 20 पढ़ने लग जाओ ना। अगर वो रोजाना 1 पारे की तिलावत करता है, तुम 2 पारे की तिलावत शुरू कर दो ना। फस्तबिकुल खैरात, अगर वो गरीबों के साथ मदद करता है, तुम गरीबों के साथ यतीमों की भी मदद करो ना। ये है फस्तबिकुल खैरात। रेस लगाने की चीज ये है, इसमें रेस लगाए जिसमें रब तआला फरमाता है कि तुम रेस लगाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम में से कौन जीतता है। और तो मेरी माओ बहनों, दज्जाली फितनों में से दूसरा फितना क्या है? मालो दौलत की हवस, मालो दौलत की रेस लगी हुई। और तीसरा दज्जाली फितनों में से एक बड़ा फितना जो है वो है बेशर्मी और बेहयाई का। बेशर्मी और बेहयाई का फितना है। और आज मीडिया ने वो फितना बेहयाई और बेशर्मी का हमारे घरों के अंदर दाखिल कर दिया। मुख्तलिफ टीवी सीरीज के सबब और इसी तरह दूसरे प्रोग्रामों के जरिए वो बेहयाई और बेशर्मी हमारे घरों के अंदर दाखिल कर दी है। आज हर जवान बहन के हाथ में मोबाइल है, हर जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल है। आप क्या समझती हो कि ये मोबाइल ये फितना है? दज्जाली फितना है, दज्जाली फितना है ये, जो आज हमारे घरों में घुस गया है। आज हमारी जवान बच्चियां और मेरी माओ बहनों, जो बच्चियों वाली है, जो यहां आज इस दरस में शामिल है, मैं आपको एक दावत फिक्र दे रहा हूं कि खुदा अपनी जवान बच्चियों पर नजर रखिए। आज हमारी जवान बच्चियां जो है, जवान बच्चियां इस दज्जाली फितने से मुतासिर होकर, इस मोबाइल की गंदगी से मुतासिर होकर, आज मेरी जवान बहनें जो है वो जवान लड़कों के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार है। शायद मेरी माए तो इस लफ्ज से भी ना आशना हो, वो शायद इस लफ्ज को भी ना समझे कि डेट पे जाना किसको कहते हैं। मेरी माओ बहनों, खुदा का आज हमने ये रास्ता खुद हमवार किया है अपनी बच्चियों के लिए कि आज हमारी जवान बच्चियां इदारों से वाबस्ता, मदारिस में पढ़ने वाली, मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं तो मदरसे की बात कर रहा हूं। ओ मेरी बहन, खुदा का तू अपने बाप की आन है। ओ मेरी बहन, तू अपने बाप की शान है, तू तो उसके सर का ताज है, तू तो उसकी गैरत है, उसकी गैरत है तू। अगर तू इस तरह नौजवान लड़के के साथ डेट पर जा रही है, कॉलेज के बहाने, यूनिवर्सिटी के बहाने, मदरसे के बहाने कि मैं मदरसे जा रही हूं, मैं कॉलेज जा रही हूं, और बजाय कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के, मदरसा जाने के, आप एक नौजवान के साथ क्लिफ्टन की सैर हो रही है, इस बेहयाई और इस बेशर्मी को बंद कीजिए। इस बूढ़े बाप पर क्या गुजरेगी जिसकी तू इज्जत है, जिसकी तू गैरत है, जिसकी तू शान है। ओ मेरी बहनों, खुदा का इस दज्जाली फितने को, इस मोबाइल दज्जाली फितने को समझिए, इससे अपने आप को दूर रखिए, अपनी इज्जत को, अपने दामन को दागदार ना कीजिए। ये दाग बहुत मुश्किल से धोता है, ये नहीं धुलता। फिर
अपने दामन को दाग दाग मत कीजिए मेरी बहनों, दिल से कह रहा हूं एक भाई होने के नाते, एक भाई होने के नाते आपसे कह रहा हूं अपने दामन को दाग दाग मत कीजिए। इस मैसेज को और आगे फैलाइए, अपनी दूसरी बहनों को इस दलदल से निकालिए। क्यों? क्योंकि ये दाग धब्बा जब दामन पर लगता है ना, तो ये फिर दुला नहीं करता, बाप बेचारा परेशान हो जाता है, आजमाइश में आ जाता है। तो ये दज्जाली फितनों में से ये एक बड़ा फितना है, बेहयाई और बेशर्मी का, बेपर्दगी का, इख्तलात मर्द और जन का। कभी हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, बेहयाई और बेशर्मी का दिन मनाया जा रहा है, वैलेंटाइन डे है। कभी हम डेट पर जा रहे हैं, मेरी माओ बहनों, इससे खुद भी आपने बचना है और दूसरी बहनों को भी बचाना है। और चौथा फितना, दज्जाली फितनों में से चौथा फितना, और बात खत्म करने लगा हूं, वो है फिरौन का सिस्टम। फिरौन का सिस्टम जानते हो आप लोग? फिरौन, जो फिरौन का सिस्टम था, जो उसकी सोच थी, जो उसकी फिक्र थी, दज्जाली फिक्र, वो क्या थी? वो बेदीनी, लादीनियत, कोई दीन, दीन की कोई परवाह नहीं है, दीन की कोई परवाह नहीं है, कुरान और हदीस की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की कोई परवाह नहीं है। ये जो आज हमारे घरों में, जो निजाम, जो सिस्टम इस मोबाइल के जरिए दाखिल हो चुका है ना, बेदीनी का, खुदा का तसव्वुर खत्म किया जा रहा है, अल्लाह का तसव्वुर दिल से निकाला जा रहा है कि कोई खुदा नहीं है, बस खुद ब खुद सब कुछ चल रहा है। वो माजरत के साथ मेरी माओ बहनों, इंडिया फिल्मों का ना एक गाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको मेरी ये बात समझ में आ जाए, उससे आप अंदाजा लगा सकती है कि किस तरह ये दज्जाली फितना हमारे जहनो कुलूब से अल्लाह का तसव्वुर खत्म कर रही है। वो गाना क्या है? कहते हैं, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम क्या जाने, खुदा भी। ओ मेरी बहनों, सो तो नहीं गई हो? जाग जाओ, तुम्हारे जागने का टाइम है। कुरान और हदीस का आलम लेकर इस माशरे में आपने कुरान और हदीस का डंका पीटना है, अपनी बहनों को दज्जाली फितनों के इस दलदल से निकालना है। यह तसव्वुर दिया जा रहा है, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने, पता नहीं, इस तरह कुछ लफ्ज है, खुदा भी ना जाने। और हमारा रब सब कुछ जानता है, ये हमारा ईमान है। खुदा का तसव्वुर इस तरह हमारे ज़हनो कुलूब से खत्म किया जा रहा है, और हमारे घरों में, हमारे माशरे में फिरौन का सिस्टम लागू किया जा रहा है। फिरौन का सिस्टम क्या था? लादीनियत, कुछ भी नहीं है, ना अल्लाह है, ना रसूल है, ना दीन है, बस खाओ पियो मजे करो। और दूसरा कौन सा सिस्टम लागू किया जा रहा है? कारून का सिस्टम क्या था? पैसा ही पैसा, पैसा कमाओ, हर चीज को पैसों में तोलो, पैसों में नफा कितना है, नुकसान कितना है, दीन को, अजर व सवाब को, नेकी को नहीं देखना है, माल को देखना है, माल को,
हाँ भाई, और अफसोस के साथ आज शायद हमारा भी यही हाल है। हम भी अगर दीन पढ़ाने के लिए किसी इदारे में जाते तो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं? ओ मेरी बहनों, क्या सवाल करते हैं? सैलरी कितनी? अल्लाह आपको जजाय खैर दे। आपने भी किसी को कहा था क्या सैलरी कितनी है? पैसे कितने मिलेंगे? पैसे कितने मिलेंगे? तो ये वो चौथा फितना है दज्जाली फितनों में से। दज्जाली फितनों में से ये वो चार बड़े फितने हैं मेरी माओ बहनों। ये तमाम के तमाम आप देख रहे हैं, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी तरह मादियत का दौर दौरा है, इसी तरह बेशर्मी और बेहयाई अपने अरूज पर है। फिरौन और कारून का सिस्टम लागू है मेरी बहनों। इन तमाम फितनों से अगर आपने बचना है, और फितने दज्जाल जो तमाम फितनों में से आजम फितना है, बड़ा फितना है, उससे अगर बचना है तो उसके लिए मैंने आपको एक दुआ बताई, वो दुआ आपने हर नमाज में पढ़नी है। नंबर दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ, एक सूरह काफ है एक सूरह कहफ है, जिसने सूरह कहफ के शुरू के 10 आयतें याद कर ली, शुरू की 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली, याद कर ली, और वो उसको पढ़ता है तो फितने दज्जाल से अल्लाह उसको महफूज रखेगा। और तीसरी चीज, अगर आप इस फितने से बचना चाहते हैं तो वो क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत, ये दज्जाल जब खुरूज होगा, दज्जाल जब आएगा तो एक नौजवान सामने खड़ा होगा, उस नौजवान के सामने फिरौन दज्जाल अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल करेगा, सारे जो है ना वो डुगडुगी बजाएगा, शोभदा बाजी दिखाएगा, ठीक है जी, और फिर उसको कहेगा कि क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मैं तुम्हारा रब हूं? देखो, मैं हवाएं चलाता हूं, मैं सब्जा उगाता हूं, मैं बारिश बरसाता हूं, नहरें मेरे साथ चल रही है, मैं बंदे को मार सकता हूं, मैं बंदे को जिंदा कर सकता हूं, अब भी तू मुझे मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं तेरा रब हूं? तो मेरी माओ बहनों, तवज्जो मेरी तरफ रखना, बस आखिरी बात कहकर बात खत्म करने लगा। पता है वो नौजवान क्या कहेगा? पता है वो नौजवान क्या कहेगा? वो नौजवान कहेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल काफिर है। क्यों? मुझे यकीन कैसे हो गया? मुझे यकीन कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में ये सारी निशानियां मुझे बताई थी। मुझे, ओ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के फरामीन पढ़ चुका था, उसमें दज्जाल की यही निशानियां बताई गई थी जो तू दिखा रहा है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है। मतलब क्या है? कि मेरे पास रब के कुरान का इलम है और प्यारे नबी के फरमान का इलम है, तो मैं दज्जाल को फौरन पहचान लूंगा कि यही वो अजीम फितना है जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कुरान और हदीस का इलम हासिल करें, और कुरान और हदीस का इलम हासिल करने के लिए आपको मालूम होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतु सफा ले दावा व तालीम ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन हनीफ की खिदमत के लिए एक कदम और आगे उठाया है। कायदा, नाजरा, हिफ्ज, तर्जमा और तफसीर के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने दाई इलल्लाह कोर्स का इनेकाद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह एक दो दिन में दाई इलल्लाह कोर्स, जो 3 साल का कोर्स है, 3 साल में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। और रोजाना इसका टाइम है
दोपहर 2 बजे से असर 5 बजे तक, असर 5 बजे तक। मेरी माओ बहनों, इसके मजामीन होंगे इंशाल्लाह, जो मजामीन इसमें पढ़ाए जाएंगे 3 साल तक, उसमें पहली चीज है तफसीर, कुरान की तफसीर, दूसरी चीज है उसूल तफसीर, तीसरी चीज है हदीस, और चौथा मजमून होगा उसूल हदीस, पांचवा मजमून होगा इसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और छठा मजमून होगा इसमें अकायद, हमारे अकायद, सही अकायद की पहचान, और इसी तरह सातवां मजमून इसमें होगा अल अदियान वल फिरक, जो बड़े बड़े मजाहिब हैं उसका तआरुफ और उसका तकाबुल। इसी तरह इसमें नौवां मजमून होगा अरबी ग्रामर, इल्म नहव और इल्म सरफ, ये ग्रामर इंशाल्लाह ये एक मजमून होगा, और दसवां मजमून इसमें होगा अरबी लैंग्वेज का, अरबी बोल चाल का, इंशाल्लाह इसमें ये दसवां मजमून होगा। इसी तरह 11वां मजमून है इसमें, वो है हिफ्ज़ का, जो तकरीबन 1.5 पारा 3 साल में इंशाल्लाह याद करवाया जाएगा। 12वां मजमून है इसमें शब रोज की दुआएं, दुआएं याद कराई जाएगी, और 13वां मजमून इसमें है वो है महाना उसबुई इजलास, जिसमें शरीक तुलबा और तालिबात जो है वो तकारीर करेगी, तकारीर का मुकाबला होगा। इन 3 साल के दाई कोर्स से हमारा मकसद क्या है, इसको समझिए, हम ये चाहते हैं मेरी बहन कि आप 3 साल का ये कोर्स करके आप अल्लाह के दीन की मुबल्लिगा बन जाए, दाईया बन जाए, मुकर्रिगा बन जाए, और गली गली कूचे कूचे घरों में, मदारिस में, मसाजिद में आप अपने दुरूस रखवाएं, आप अल्लाह के दीन को आगे लोगों तक पहुंचाए। इंशाल्लाह 3 साल के अंदर इंशाल्लाह इतनी इस्तेआदात, इतनी सलाहियत आप में पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह कि आप अल्लाह के दीन को आगे लोगों तक पहुंचा सकेगी। तो ये बहुत ही सुनहरी मौका है मेरी बहनों के लिए जो स्कूल पढ़ती है, सुबह स्कूल जाती है, तो ये दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, 5 बजे आप कोचिंग भी जा सकती है इसमें, ठीक है। तो इसमें बनीन भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने जायजा इसमें लिया है, तुलबा कल आए थे, इसमें जायजा हमारा हुआ है, 15 दाखले हमारे पास कल आ चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं, ठीक है, और मजीद दाखले आ रहे हैं, और चूंकि हमारे पास जगह जो है वो मुख्तसर है, तो हम चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द जो भी बहने, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, लिखना, क्योंकि जिसमें इम्तिहान लिखने का होगा तो आपको लिखना आना चाहिए, और आपको नाजरा कुरान यानी देखकर कुरान पढ़ना आना चाहिए, ये 2 शराइत है, बाकी उम्र की कोई कैद नहीं है। हर मेरी बहन इस दाई कोर्स में दाखला ले सकती है, जो बहने ख्वाहिशमंद है, जो दाखला लेना चाहती है, इंशाल्लाह आपके लिए मुकम्मल पर्दे का इंतजाम होगा, नीचे दफ्तर में इंशाल्लाह बनीन की क्लास होगी, और साथ में दफ्तर के बैक साइड पे जो हॉल है उसमें इंशाल्लाह तालिबात और खवातीन के लिए इंतजाम किया है पर्दे का, वहां इंशाल्लाह प्रोजेक्टर लगा होगा, आप स्क्रीन पर मुअल्लिम को, मुदर्रिस को देख सकती हैं, ठीक है, ताकि अगर वो आपको कोई चीज समझा रहा है, ठीक है, कि बोर्ड पे समझा रहे, तो आप प्रोजेक्टर पर उसको देख सकती है, बाकी वॉइस इंशाल्लाह स्पीकर लगा होगा, आवाज आएगी, ठीक है। इंशाल्लाह हमारे इस दाई कोर्स में हमारे पास इस वक्त 4 मुदर्रिस हैं, पढ़ाने वाले कितने हैं, 4 हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत शेख प्रोफेसर शुएब फाजिल उस्मानी हफिजहुल्ला, वो इस दाई कोर्स के मुदर्रिस हैं, इसी तरह फजीलत शेख अदनान रुस्तम हफिजहुल्ला, वो हमारे इस दाई कोर्स के मुदर्रिस हैं, इसी तरह फजीलत शेख अब्दुल हसीब हफिजहुल्ला, वो हमारे इस दाई कोर्स के मुदर्रिस हैं, और
मुझे तो खैर कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तैयारी करूं, एक किताब के लिए दो तीन किताबें देखूं, और जो भी मजामीन मुझे दिए जाएं इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह इसमें अपना हिस्सा डालूंगा, सीखूंगा इंशाल्लाह, ताकि मेरा भी इलम पुख्ता हो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। तो जो बहनें इस दाई कोर्स में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो आज रुमैसा बाजी के पास अपना नाम और नंबर लिखवा दें, और कल छुट्टी है पीर वाले दिन, आप तमाम बहनें जो है तालिबात बहनें या बाहर से जो खवातीन आई है उन तमाम से गुजारिश है कि वो पीर वाले दिन 2 बजे मदरसे आ जाए, ताकि उनका जायजा हो जाए और दाखले फाइनल हो जाए, फिर इंशाल्लाह उनको निसाब जो मजामीन है जो निसाब है वो इंशाल्लाह यही मदरसे की तरफ से दिया जाएगा, वो हम इंशाल्लाह इकट्ठा ले आएंगे, वो आपको मिल जाएगा। मैं फिर कहूंगा अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से जो स्कूल पढ़ती है या जो बड़ी उम्र की हमारी माएं हैं, उनसे भी कहूंगा कि इस मौका से फायदा उठाए। बहुत ही मुख्तसर कोर्स है और मुख्तसर टाइम है, सिर्फ 3 घंटे का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 5 मई को तलबा तालिबात का तरबियती वर्कशॉप होगा इंशाल्लाह।